नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खबर। 50 साल में पहली बार के बालकृष्ण शर्मा नवीन महाविद्यालय में सत्र 2023-24 के लिए एक साथ सात अति महत्वपूर्ण नवीन पाठ्यक्रम जन भागीदारी समिति के प्रयास से प्रारंभ किए जा रहे हैं एवं इन समस्त नवीन कोर्सेज को उच्च शिक्षा विभाग के ई प्रवेश पोर्टल पर भी अपडेट किया जा चुका है। इस अवसर पर जबस अध्यक्ष विपुल कसेरा, प्राचार्य डॉक्टर आर के एस राठौर, अरुण कुमार बोडाने, डॉक्टर एस के तिवारी, डॉक्टर वीपी मीणा, डॉक्टर प्रकाश बर्फा, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर दिनेश डहारे, डॉक्टर अनिता यादव, डॉक्टर अरविंद शर्मा, डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा, प्रोफेसर सुधरी सवासिया, ललित गोवा उपस्थित। पत्र व्यवहार किया जा रहा था। इन पदों की स्वीकृति की मांग को मानते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने महाविद्यालय से चाहे गए पदों की जानकारी मांगी गई है, जो महाविद्यालय ने उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित कर दी गई है। वो संख्या हमने कल ही भेजी है, जो वो संख्या लगभग यूजी में तो 26 नए पद सृजित करने, मतलब पद ही नहीं है। अब होता क्या था, अगर पद हो तो हम गेस्ट फैकल्टी बुला लें। 5-6 बजे बंद हो जाता है सर, लगभग 5-6 बजे बंद हो जाता है सर। शाम के टाइम पे आपके ही कॉलेज परिसर के, मतलब आपके स्टाफ के कुछ लोग कई कॉलेज में आते हैं या कुछ, मतलब एक बार मैंने आपको पहले ही व्यक्तिगत रूप से बताया, वो अभी भी कंटिन्यू चल रही है, तो उस पर कहीं ना कहीं नकेल कसना चाहिए। हमारे अनुशासन समिति के माननीय प्रभारी तिवारी जी आपसे 5-6 बजे बंद हो जाता है सर, लगभग 5-6 बजे बंद हो जाता है सर। शाम के टाइम पे आपके ही कॉलेज परिसर के, मतलब आपके स्टाफ के कुछ लोग कई कॉलेज में आते हैं या कुछ, मतलब एक बार मैंने आपको पहले ही व्यक्तिगत रूप से बताया, वो अभी भी कंटिन्यू चल रही है, तो उस पर कहीं ना कहीं नकेल कसना चाहिए। हमारे अनुशासन समिति के माननीय प्रभारी तिवारी जी आपसे निवेदन है कि लास्ट इम्प्रेशन, महाविद्यालय में हम एंट्री करेंगे गेट से लेके, तो आपको उबड़ खाबड़ कच्ची जमीन, कहीं कुछ कचरा, ये वो पेपर ब्लॉक लगाने की हमारी प्लानिंग जनभागीदारी समिति के माध्यम से थी। अलग अलग शासन को प्रस्ताव भेजे, लेकिन अभी जो पीछे चार कमरे बने हैं अभी हैंडओवर नहीं हुए, एक नई लाइब्रेरी भी बनी है, तो इसमें कुछ राशि बची थी। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड वालों ने हमसे पूछा कि इस राशि का क्या करें, तो हम जनभागीदारी समिति के माध्यम से या शासन के माध्यम से प्लानिंग में था ही सही, हमने उनसे निवेदन किया कि आप यह राशि पेपर ब्लॉक के माध्यम से वहाँ गेट से लेकर तो जितना हो सकता है, और एक लोहे की रेलिंग जिससे पैदल आना जाना हो सके, इधर वाहन नहीं आएंगे, वाहन उधर ही रहेंगे, फिर उधर साइकिल स्टैंड, ये तीन चीज़ हमने उनके माध्यम से करा रहा है, ताकि स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी सुंदरता वाला हमारा माहौल, शर्मा जी उसको देख रहे हैं हमारे, और वो लगातार कार्रवाई चल रही है अति शीघ्र, ताकि यहाँ लाइट का बहुत ज़्यादा बिल आता है, तो लाइट का लगभग 30-40-25-30 हज़ार ऐसा बिल आता है, क्योंकि रात में भी यहाँ बास्केटबॉल चलता है, वो भी जो वो चलता है हेलोजन, बड़े बड़े कॉलेज के मीटर से ही चलते हैं, तो लगातार जो राशि हमारे पास आती है वो बिजली के व्यय में बहुत सारी चल जाती है, तो हमारा उद्देश्य सोलर प्लांट लगा के ये खर्चा बचाने का है। इसके बाद महाविद्यालय में बाहरी तत्वों को रोकने के लिए अनुशासन बनाए रखने की दृष्टि से 2023-24 से विद्यार्थियों के लिए ड्रेस कोड, छात्रों के लिए लाइट स्टील ग्रे शर्ट एवं ब्लैक पेंट तथा ब्लैक शू, तथा छात्राओं के लिए स्टील ग्रे कुर्ता, ब्लैक सलवार एवं ब्लैक दुपट्टा के साथ ब्लैक शू लागू कर दिया गया है। इसको हमने लागू कर दिया गया है इस साल से, महाविद्यालय के विद्यार्थी ड्रेस कोड में ही महाविद्यालय की कक्षाओं में बैठेंगे, जिससे जो बाहरी तत्व आकर यहाँ पर कुछ भी गतिविधि कर जाते थे उससे हमें बहुत निजात मिलेगी, एक अनुशासन का माहौल बनेगा, एक शिक्षा का माहौल बनेगा। और एक चीज़ और कि अभी तक हमने इन 7 महीने भी जो भी प्रयास किए या सब शासन स्तर से ही किए, अगर हम केवल जनभागीदारी मत की बात करें तो हमने मुश्किल से 25 से 30 हज़ार रुपये ही खर्चा किया। हमारी पहली प्राथमिकता सभी चीज़ शासन से लाने की, ताकि हमारा जनभागीदारी और स्वामित्व का जो मद है वो ऐसी कैसी यथावत रहे। नहीं, अगर हम शासन से स्वीकृति मिलेगी उसी कंडीशन में हम जनभागीदारी मत को खर्च करेंगे, अन्यथा हमारा प्रयास यही है कि सब चीज़ शासन स्तर से ही संपन्न। अब यह सब आज प्रमुख विषय थे जो आप